आज टोटल हम लोगों को 4 किलोमीटर कंप्लीट करना है। अंधेरा हो जाएगा आई थिंक, बट कोई नहीं, अभी सो जाते हैं क्योंकि सोने के लिए सिर्फ हाथ में 4.5-5 घंटा ही है। पीछे देख पा रहे हो ऑलरेडी सनराइज हो चुका है, इसका ऑल्टीट्यूड है लगभग 10,000 फीट। हेलो फ्रेंड्स, आ गया हूँ एक नया ब्लॉग लेके मेरे चैनल एडीवी ब्लॉग्स पे। आज हम लोग जा रहे हैं नाग तिब्बा ट्रैक पे। अभी मैं हूँ पंतवारी बोल के एक जगह पे, ये एक्चुअली नाग तिब्बा ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि देहरादून से 90-100 किलोमीटर दूर है। पहले तुम लोगों को देहरादून आना पड़ेगा और फिर देहरादून से बोलेरो में इधर से हम लोग अभी ट्रैक स्टार्ट करेंगे और कल सुबह हम लोग नाग तिब्बा समिट करेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप है, अकेले मैं आसपास की जगह तो घूमता रहता हूँ लेकिन एज अ प्रॉपर ट्रिप ये मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो दोस्तों, हमारा ट्रैक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये देखो रास्ते का हालत, ट्रैक का स्टार्टिंग तो बहुत ही एडवेंचरस हो रहा है, बाकी आगे देखते हैं क्या क्या है। अभी भी 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ है, ऊपर जाके 1 किलोमीटर कंप्लीट होगा। उधर थोड़ा पानी वगैरह मिलेगा क्योंकि मैं साथ में पानी लाना भूल गया हूँ। आज टोटल हम लोगों को 4 किलोमीटर कंप्लीट करना है और अभी 5:30 बज गए ऑलरेडी। थोड़ा मतलब अंधेरा हो जाएगा आई थिंक, बट कोई नहीं। ऑलरेडी 6 बज गए हैं, अंधेरा होना स्टार्ट हो चुका है और भी शायद 2 किलोमीटर बाकी है, तो जाते जाते तो पूरा अंधेरा हो जाएगा आई थिंक। फर्स्ट टाइम नाइट ट्रैक कर रहा हूँ, ये एकदम अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। अरे रास्ता, अरे ऐसे व्लॉगिंग पॉसिबल नहीं है, आगे भी बहुत लोग है, टॉर्च लेके चल रहे हैं सब लोग। एट लास्ट हम लोग पहुंच गए हैं हमारे बेस कैंप। अभी हम लोग बैग वैग रख के टेंट पे जाएंगे, पकोड़ा चाय ये सब हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे इधर से, मतलब पैकेज के अंदर ही है, और उसके बाद डिनर कर लेंगे। कुछ लोग अभी से ही डिनर कर रहे हैं तो हम लोग अभी अभी आए हैं। तो ये है आज रात का सोने का बंदोबस्त। ये देखो, ये एक सिंगल टेंट है तो मैं अकेला ही आया हूँ इसीलिए मुझे सिंगल टेंट ही मिला है। अभी बजा है 10:45, तो हम लोगों को 3:30 बजे जाना है नाग तिब्बा समिट के लिए, और जब सनराइज़ होके पूरा लाइट आ जाएगा तब लौट के इधर का पूरा कैंप साइट तुम लोगों को दिखा दूंगा। तो चलो अभी सो जाते हैं क्योंकि सोने के लिए सिर्फ हाथ में 4.5-5 घंटा ही है, तो अच्छे से सोते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पता नहीं अभी गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं या नहीं, क्योंकि अभी बजा है 3:30। अभी हम लोग जाएंगे ऊपर, मतलब नाग तिब्बा समिट करने के लिए, ऑल सेट, मतलब कैमरा मोबाइल वगैरह। फिर हम लोग ट्रैक करना स्टार्ट करें नाग तिब्बा समिट की ओर। आज एक्चुअली फुल मून है इसीलिए मूनलाइट की वजह से ज़्यादा टॉर्च का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, फिर भी टॉर्च लेके ही चलना चाहिए। और ऊपर पहुँच के जो नज़ारा हमें देखने को मिला वो तुम लोग खुद ही देख लो। एट लास्ट हम लोग पहुंच गए हैं नाग तिब्बा समिट पर। ये पीछे देख पा रहे हो,
एक्चुअली हमें कैंप से निकलना चाहिए था 3:30 बजे, लेकिन हम लोग 4 बजे निकले और इधर सनराइज का टाइमिंग था 6:30 बजे, मतलब हम लोग ऑलरेडी लेट निकले थे। फिर क्या, फिर गाड़ी भगाया, मतलब पैर भगाए, और 2.5 घंटे में आप पहुँचे नाग तिब्बा समिट पर। पीछे देख पा रहे हो ऑलरेडी सनराइज हो चुका है। ये जो नाग तिब्बा समिट है इसका ऑल्टीट्यूड है लगभग 10,000 फीट, और हमारा जो कैंप था बेस कैंप मतलब बोल सकते हो नाग तिब्बा का, उधर 7,000 या 8,000 फीट ऑल्टीट्यूड होगा। अभी हम हैं नाग तिब्बा टेम्पल के सामने, मतलब जिसके लिए ये ट्रेक फेमस है। गाइड ने हमें जो बताया कि ये मंदिर बहुत साल पुराना है, मतलब कितना पुराना है ये किसी को नहीं पता है, बहुत दिनों से लोग यहाँ आते हैं, पूजा करते हैं। ये है सुरखंडा माता की मंदिर और उधर है नाग तिब्बा मंदिर, तो ये है पूरा एरिया। अभी हम लोग लौट रहे हैं हमारे बेस कैंप की तरफ। आने के टाइम तो रास्ता दिखा नहीं पाया, मतलब बेस कैंप से जो नाग तिब्बा समिट तक का रास्ता है ट्रेक रूट, अभी लाइट है तो अभी देख लो। मैं अभी देख रहा हूँ कि कुछ कुछ लोग अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए, हम लोग अभी उतर रहे हैं, वो अभी तक चढ़ रहे हैं, समिट तक नहीं पहुँच पाए। जिन लोगों के थोड़ा ब्रीजिंग इश्यूज है या फिर लिगामेंट का प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से वो लोग ना आए तो बेहतर है, या तो फिर अपने बॉडी को पूरी तरह से फिट करके ट्रेक करने आए, ये मेरा सजेशन है, बाकी तुम लोगों के ऊपर। जाते टाइम अंधेरे में मुझे लगा था कि ये जगह थोड़ा सुंदर होने वाला है, लेकिन अभी देखो बहुत सुंदर है। हम लोग लगभग पहुंच गए हैं हमारे कैंप साइट के करीब, तो इधर से दिख रहा है, मतलब गिर गया। अभी बंद करता हूँ व्लॉगिंग थोड़ी देर के।
था नागतिब्बा ट्रेक का ब्लॉग। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस और भी आने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।